आपकी वर्कशीट नंबर 170। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, क्लास आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फूलों की बहार। तो आप सबको पता है कि बसंत पंचमी है कल, और यानी आज है ना, आज 16 तारीख है ना, हाँ 16 तारीख को ही बसंत पंचमी है। और आप सब जानते हैं कि बसंत पंचमी में तरह तरह के फूल खिलते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, बसंत पंचमी की सुबह सिम्मी जब उठी तब उसने पाया कि सारा घर फूलों की खुशबू से महक रहा है। पिताजी बाजार में बेचने के लिए रंग बिरंगे फूल लाए हैं। आंगन में दादी और माँ गुलाब, सूरजमुखी, कमल और गेंदे के फूलों की टोकरियों में रख रही हैं। यानी पिताजी बहुत सारे फूल खरीद के लाए हैं और उसने क्या देखा, दादी और माँ जो हैं दोनों लोग अलग अलग फूलों को टोकरियों में रख रही हैं। सिम्मी भी फूलों को गिनकर टोकरियों में रखने लगी और माँ और दादी के पास गुलाब के तीन तीन फूल हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, माँ और दादी के पास गुलाब के तीन तीन फूल हैं जो सिम्मी ने टोकरी में सजाए। अब टोकरी में कुल 6 गुलाब हो गए। ठीक है, तो अब उसने बताया यहाँ पे आपको कि जैसे माँ के पास कितने फूल है, 3, दादी पास कितने है, 3। अब हमने इन्हें क्या करा, प्लस कर दिया, यानी जोड़ दिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब कितने हो गए टोटल टोकरी में फूल, 6, है ना। तो इस तरह से ही आपको करना है। अब देखें यहाँ क्या लिखा है आगे, तो लिखा है पिताजी ने कहा, आओ सिम्मी गेंदे के फूलों को गिनकर टोकरी में रखो। तो चलिए देखते हैं कि उसने कैसे रखा। तो मम्मी के पास कितने फूल थे, 2, 1 और 1, 2। ठीक है, दादी के पास कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, तो लिखा 5। अब टोटल कितने हो गए, गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल कितने फ्लावर्स हो गए, 7, तो आप 7 लिख देंगे। आया ना मजा? तो इस तरह से ही आप कर लेंगे, फूल मम्मा से बनवा लेंगे, मम्मा बना देंगी और बाकी आप खुद करेंगे। तो देखिए लिखा, फिर दादी बोली, सिम्मी अब मैं तुम्हें कुछ फूल दूंगी, क्या तुम इन फूलों की संख्या जोड़कर बताओगी? अब सिम्मी दादी द्वारा दिए गए फूलों को जोड़ने लगी। बच्चों क्या आप भी सिम्मी के साथ मिलकर नीचे दिए गए फूलों की संख्या को जोड़कर लिखेंगे? हाँ बिल्कुल लिखेंगे। तो चलिए हम लोग सिम्मी की मदद करते हैं जल्दी जल्दी फूलों की संख्याओं को जोड़कर लिखने में। देखिए कमल के 5 फूल दिए, तो हम 5 डॉट लकीर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आप आगे देख सकते हैं यहाँ कितने कमल के हैं, 3 फूल हैं, तो आप 3 डंडी और बना लीजिए। ठीक, अब इसको टोटल कर लीजिए, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल कितने हो गए, 8, है ना, आसान कर लेंगे ऐसी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका देखिए कितने यहाँ पे, कितने यहाँ है, 6 है चंपा के फूल, तो आप 6 डंडियाँ बनाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, फिर यहाँ दादी पास कितने हैं, 2, तो 1 और 1, 2, 2 डंडी बना ली आपने। अब इसको काउंट करिए टोटल, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7 और 8, तो अब कितने हो गए, 8, फिर यहाँ 8 लिख लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं, अब देखिए यहाँ कितने, 8, तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, आगे यहाँ कितने, 1, 1 लिख दीजिए। अब इसे फिर से टोटल काउंट कर लीजिए, चलिए काउंट करते हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो कितने हो गए, 9, तो आप यहाँ 9 लिख लीजिए। है ना आसान काम, कर सकते हैं आप लोग, कितना मजा आ रहा है ये। आप पता क्या, ये आपको ना एक ट्रिक सिखा रही हूँ मैं, उसके बाद जब आप कर चुकिएगा तो जो ये स्ट्रिप्स है ना, ये सारी जो हम लोग ने स्ट्रिक्स बनाई है, डंडियाँ, लकीरें खींची हैं, है ना, इनको आप डिलीट कर दीजिएगा, आई मीन डिलीट का मतलब ड्रॉप कर दीजिएगा इरेजर से, है ना। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ आप लिखा है 4 है, तो अब 4 मोतिया के हैं, तो चलिए इसको कर लेते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, और यहाँ 5 हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब हम इसे टोटल काउंट कर लेते हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आप 9 लिख लीजिएगा यहाँ। ठीक, तो आपको पता चल गया कि किसके कितने, तो 8 फूल तो कमल के हैं, 8 फूल चंपा के हैं, 9 फूल चमेली के हैं और 9 फूल मोतिया के हैं। तो आया ना मजा आप लोगों को। चलिए अब हम इसको हटा देते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि इसी तरह से आपको अगर और काम करना है तो अपनी पुस्तक को पेज नंबर 55 और 59 को भी करें, तो आप 55 से 59 तक कर लें, उसमें आपको यही इसी तरह से सब जोड़ के सवाल होंगे, आप कर सकते हैं आसानी से, कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके टीचर से कहा गया आपको मैथ्स अच्छे से समझाए, आपके पेरेंट्स को कहा गया बच्चों को 5 फूलों के नाम याद करवाएं
और उनके विशेष रंग से परिचित करवाएं। अब जैसे कि पांच फूलों के नाम तो आपको यही पता चल गए, कमल, चंपा, चमेली, मोतिया, है ना। इसके अलावा यहाँ हमने ऊपर से भी पढ़ा था गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, है ना। तो इस तरह से आप ये नाम याद कर लेंगे और मम्मा से पूछेंगे, मम्मा आपको मुझे बताना है कि कौन कौन से कलर के होते हैं, ठीक है। आपकी मम्मा आपको समझाएंगी। फिलहाल आज की वीडियो को हम नहीं खत्म करते हैं, आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।